ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم محترم المقام پیر طریقت استاذ العلماء حضرت علامہ فلطلی صاحب دامت برکاتکم علامہ فضیلۃ الشیخ السید یوسف ہاشم الرفائی حضرت العلامہ فضیلۃ الشیخ الدکتور ابو لیلہ جملہ مشائخ اعظام علماء رامپور اکابر علماء آسام اکابر علماء مشائخ بنگلہ دیش اور دیگر اطراف و اکناف عالم سے تشریف لانے والے زعماء مندوبین عاشقان مصطفیٰ اور فرزندان اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات نے آج جس محبت اور جذبہ اور ولولہ سے استقبال کیا ہے اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ تاریخی پرجوش استقبال میرا نہیں ہے، یہ عاشقان رسول کا استقبال ہے عشق مصطفیٰ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا ایمان، آپ کا جذبہ، آپ کا عقیدہ صالحہ قائم اور دائم رکھے. آج اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت پر خطاب کر رہا ہوں کہ میلاد کیا ہے، میلاد کیوں ہے، میلاد کیسے ہے. علماء کرام ہیں، طلباء ہیں، محدثین ہیں، معلمین ہیں، مدرسین ہیں اور متعلمین ہیں. آج آپ کو انشاءاللہ تعالی سنجیدہ علمی موضوع ہے، آپ کو ہمتن گوش ہو کر سننا ہے، اور جو طلباء ہیں ان کو آج حدیث پڑھاؤں گا. میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے. 58 اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، قل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو، بفضل اللہ و برحمتہ
कि ये जो अल्लाह का फजल हुआ आया है तुम पर और अल्लाह की रहमत आई है, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, अल्लाह के इस फजल और अल्लाह की रहमत की आमद पर खुशियां मनाओ, फरहत करो, ये अल्लाह का हुक्म। आज की इस मजलिस में मीलाद को कुरान और हदीस से साबित करना है और मीलाद नबी के खिलाफ जितना बातिल ख्यालात और तवहमात मौजूद है उनका जड़ काटना है। और इंशाअल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम के नालेन पाक के सदके अल्लाह की तौफीक से और अल्लामा फुलतली साहब की दुआ से मिलाद नबी के इनकार का फितना आज इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। हम कोई बात आम किताबों से और किस्सा कहानियों से पेश नहीं करेगा, हर दलील कुरान से और हदीस से होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम पर जो अल्लाह का फजल आ गया और जो अल्लाह की रहमत आ गई इस पर तुम खुशियां मनाओ, फरहत करो, जश्न मनाओ, फल यफ़रहू। अब यहां एक नुक्ता जहन में रख लें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरहत मनाने से मना फरमाया दूसरे मुकाम पर, फरमाया इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फरहीन, जो लोग फरहत मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। अब आप तवज्जो करें, एक मुकाम पर फरहत करना, खुशियां मनाना, इसको अल्लाह ने पसंद बोलो नहीं किया, दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि फरहत मनाओ, खुशियां मनाओ और जश्न मनाओ, दो अलग हुक्म आ गया। इसकी वजह क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी बयान करते तफसीर कबीर जिल्द 17 इस आयत की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी बयान करते ये जो आ गया फबिज़ालिका फल यफ़रहू, इसमें हसर आ गया। इमाम राजी फरमाते हैं युबीदुल हसर, यानी यजब अल्लाह यफ़रहुल इंसान इल्ला बिज़ालिक। इमाम राजी फरमाते हैं कि अब यह वाजिब हो गया कि इंसान सिवाय इस अल्लाह के फजल और रहमत की आमद के किसी और सबब पर जश्न न मनाए, जश्न में हसर हो गया, जश्न में पाबंदी हो गया कि जश्न मनाओ, खुशी मनाओ सिर्फ एक सबब पर। बोले कितने? अल्लाह के फजल और रहमत पर जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, ईद मनाओ, फरहत मनाओ, और इसके सिवा किसी और सबब पर जश्न न मनाओ। इमाम राजी फरमाया कि इसमें हसर हो गया। अब आइए, हम कुरान से पूछता है कि अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर जश्न और खुशी मनाने का हुक्म है तो अल्लाह का फजल क्या है और अल्लाह की रहमत क्या है? कुरान से पूछता है। कुरान ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह की रहमत मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने आपको भेजा ए हबीब सिर्फ सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर। तो अल्लाह की रहमत वजूद मुस्तफा की शक्ल में दुनिया में आ गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की रहमत हो गए। और अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी ने फरमाया कि हुजूर का नाम अल्लाह ने रहमत रख दिया। तो जब अल्लाह बोलेगा कि अल्लाह की रहमत पर जश्न मनाओ तो अल्लाह की रहमत मुस्तफा है। एक बात, अब अल्लाह का फजल क्या है? ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 आप सुनता है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लजी बअथ फिल उम्मीयीन रसूला, वो अल्लाह है जिसने उम्मीयीन में मक्का के अनपढ़ लोगों में अपना रसूल भेजा, उन्हीं में से रसूल आ गया, मोहम्मद मुस्तफा आ गया, रहमतुल्लिल आलमीन आ गया, हबीब किबरिया आ गया, यकलू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन पर आयतें तिलावत फरमाता है, उनके नफूस का तज़किया फरमाता है, उन्हें किताब की तालीम देता है, उनको हिकमत अता करता है। इन कानू मिन कब्ल लफी ज़लालिन मुबीन, और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने से पहले वो गुमराही में थे। तो कुरान ने बताया कि मुस्तफा से पहले गुमराही थी, मुस्तफा आ गए तो हिदायत हो गई। और आगे जो बात है, यहां तक जिक्र था असहाब का, किनका? सहाबाए कराम का। बासफिन रसूलम मिनहुम, उनमें उनमें से भेजा। अब आप सिलहत वाला बोलेगा हमारा जिक्र कहां है, क्योंकि हम भी तो मिलाद का खुशी मनाता है। पाकिस्तान वाला बोलेगा हमारा जिक्र कहां है,